प्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? तो चलिए, हमारे दिन को अच्छा बनाने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। सभी अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और मैं उनके साथ दोहराएंगे। देखिए, अब जब ये वीडियो जा रहा है तो हो सकता है गणेश चतुर्थी हो उसी दिन या अगले दिन हो, है ना। तो हम लोग गणेश जी का ही आज मंत्र बोलने जा रहे हैं और सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। बच्चों, जल्द ही वापस से धीरे धीरे सारी चीज़ें सामान्य होती जा रही है और हम लोग हमारी पहले वाली जिंदगी में आ रहे हैं, है ना। डर का माहौल खत्म होते जा रहा है, कोरोना भी कम होते जा रहा है। अब आप लोग गणेश जी का 10 दिन तक धूमधाम से गणेश जी जो हम मनाते थे वो मनाओगे। कुछ लोग घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं और कुछ क्या करते हैं, अपनी कॉलोनी में, है ना, सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर गणेश जी का उत्सव मनाते हैं। तो चलिए, आपको मैं गणेश जी की ही कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे। देखो, एक बार गणेश जी छोटे थे, है ना, उनका जन्मदिन था तो उनकी माँ ने उनके लिए मोदक, खीर, हलवा, पूरी, अच्छी अच्छी चीज़ें बने और सबसे प्रिय तो उन्हें मोदक है ना। मोदक का भोग लगाते ना हम लोग, तो बन रहा है खाना, उन्हें बहुत जल्दी हो रही है, भूख लग रही है माँ, और भूख इसलिए लग रही है कि पसंद की चीज़ बनती है तो ज़्यादा भूख लगने लगती है। आप लोग भी ऐसे ही करते हो ना कि कुछ अच्छा बनता है तो आपको बहुत जल्दी रहती कब बनेगा कब बनेगा, और जब रोज का खाना होता है तो आप क्या कहते हो कि अभी नहीं खाना, अभी नहीं खाना, है ना, अभी थोड़ी देर से खा लेंगे। तो गणेश जी भी अपनी माँ से इसी तरह जल्दी कर रहे थे कि माँ पार्वती, कौन है गणेश जी की माता आपको पता है? पार्वती जी। और पिता कौन है? शंकर जी। तो माता जी से बार बार बोल रहे हैं कि माँ कब बनेंगे लड्डू, कब बनेगी खीर, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो माँ ने कहा कि बेटा, जब तक बन रहा है तो ऐसा करो, अपने वाहन मूषक के साथ थोड़ा घूमा। तो वो अपने वाहन मूषक के साथ बाहर निकल दिए। अब जैसे ही बाहर निकले, है ना, तो उन्हें तो फिर भी शांति नहीं हो रही थी, फिर वापस आ गए। तब तक खाना बन गया। अब जैसे ही बना, उन्होंने अपने मूषक के साथ खाना शुरू कर दिया और अच्छे से खूब सारा खा लिया। अब जब ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है, पेट दर्द होने लगता है। माँ बहुत खा लिया है, अब क्या करें, पेट दर्द हो रहा है। तो माँ ने कहा कि जाओ, अब तुम घूमने जाओ, है ना। अब घूमने निकले तो गणेश जी का तो पेट है ही बड़ा, खा के और बड़ा हो गया। तो जैसे ही बाहर निकले तो चंद्रमा जो है वो उन्हें देख रहा था और उन्होंने उनकी हंसी उड़ाई कि अरे, किस तरह से, देखो गणेश, तुम्हारी तोड़ निकली हुई है, कैसे दिख रहे हो। तो गणेश जी को गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक दांत निकाला और चंद्रमा को फेंक के मार दिया। तो आपको पता है ना, चंद्रमा कैसा होता है, गोल गोल होता है। लेकिन जब उन्होंने चंद्रमा पे दांत फेंका तो वो अपने आधे आधे भाग में बढ़ गया। अब गणेश जी ने कहा कि अब ये मैंने क्या कर दिया। चंद्रमा को भी बुरा लगा, उन्होंने कहा मैं तो तुम्हारे से मजाक कर रहा था। लेकिन गणेश जी ने कहा कि अब जो हुआ है वो तो बदल नहीं सकता, लेकिन, है ना, मैं तुम्हें एक दिन पूरा होने का वरदान देता हूँ, तुम अपने पूरे रूप में एक दिन दिखोगे और रोज तुम्हारा भाग कम होते 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 बढ़ता जाएगा और अमावस के दिन बिल्कुल नहीं दिखाई दोगे। तभी से अब ये सारी कहानियाँ सुनी सुनाई है, किदवंतियाँ बोलते हैं इन्हें, है ना। तो कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब इसे गणेश जी को
एक दंत नाम दिया गया और चंद्रमा भी किसी कारण अपने रूप में घटता बढ़ता रहता है। तो आप भी इस तरह से और भी कहानियाँ अपने माता पिता से पूछिए, दादी दादा से सुनिए, है ना, क्योंकि हमें हमारे धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में भी बातें पता होनी चाहिए पढ़ने के साथ साथ। तो चलिए, पिछली क्लास में हमने व्याकरण प्रश्न पढ़ा था, आपको पता है मैम ने क्या पढ़ाया था, सर्वनाम, ऐसा नाम जो मेरा तुम्हारा हम सबका नाम होता है, ऐसा प्रश्न पूछा था ना, तो मैम ने बताया था ना कि वो है सर्वनाम, सर्व ने सभी और नाम ने सबका नाम। तो आज हम उस पाठ की एक्सरसाइज करेंगे, है ना, सभी लोग अपनी पुस्तक निकालेंगे, पाठ हम पढ़ चुके थे और आज हम उसकी क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। सभी लोग पेज नंबर 145 निकालेंगे, पेज नंबर 147 निकालेंगे, सॉरी पेज नंबर 147 निकालेंगे, 147। इसमें हम लोग केवल प्रश्न उत्तर लिखेंगे, इसकी जो एक्सरसाइज है बुक वाली को हम अगली क्लास में करेंगे, ये जो प्रश्न उत्तर दिए हैं इन्हें आज लिखेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। सारे बच्चे 147 पेज नंबर निकालेंगे। उत्तर क, उत्तर क लिखेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं, वे संज्ञा कहलाते हमेशा बोलने की आदत डालें और मन में बोलने की आदत डालें, क्योंकि आपका स्कूल लगेगा तो आपको ये आदत परेशानी में डालेगी, क्योंकि सारे बच्चे होंगे, सारे बोलेंगे तो क्लास में क्या होगा, गुनगुन गुनगुन जैसे बुरे बोल रहे हो, तो आपको मन में बोल बोल के लिखने की आदत डालनी है। अब हम लिखेंगे उत्तर, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखे। पढ़ा था अपने सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब उनके नाम भी लिखना है ना, आपके पास जगह कम है तो आपको थोड़ी छोटी छोटी राइटिंग लिखना है, और नहीं आता है तो आप ऊपर भी कोष्टक करके उत्तर ख डाल के लिख सकते हैं, है ना, या फिर अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिए। सबके आगे सर्वनाम नहीं लगाएंगे, क्योंकि बार बार सर्वनाम ही के नाम लिखते हैं,
पुष्पाचक नंबर दो, निश्चयवाचक नंबर तीन और निश्चयवाचक नहीं लिखा है ना, आप लोग ये लिख लीजिए। अब है निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक की परिभाषा, तो आप अभी इतना लिखिए बड़ा है, उसके बाद पैर लिख देंगे, है ना। की आदत डालें, अक्षर सुंदर लिखें।
चलिए स्क्रीनशॉट लेके रखिए। अब मैं लिखवा रही हूँ निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। तो देखिए उत्तर बड़ा है, इसलिए आप अपने कक्षा वर्क जो क्लास वर्क कॉपी है ना, कक्षा कार्य वाली, उसमें लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका उत्तर नहीं आ पाएगा। निश्चयवाचक, ये आपका उत्तर दो है। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? निश्चयवाचक। और ठीक इसका उल्टा है कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं कराते, वो अनिश्चयवाचक होते हैं ना। इतना लिखिए, फिर अगला लिखवाती हूँ मैं, बोल के लिखना है आपको।
चलिए बेटा सेम इसका उल्टा है अनिश्चयवाचक। तो आप लोगों ने ये लिख लिया है, मैं इसी में यही सुधार करके से करूँगी, आपको ऐसा नहीं करना है ना, आपको फिर से लिखना है। तो जो सर्वनाम शब्द किसी दूर और पास के निश्चित वस्तु या घटना का बोध कराए उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं। ठीक इसका उल्टा है कि जो सर्वनाम शब्द किसी दूर और पास के अनिश्चित वस्तु है ना, यहाँ पे अ आएगा है ना, उन्हें क्या कहेंगे अनिश्चयवाचक। कि जिसकी दूरी है ना कि पता नहीं वो शायद थोड़ी दूर है ना थोड़ी पास है तो वह अनिश्चय होगा। या फिर इसे लिखेंगे किसी दूर और पास के निश्चित वस्तु या घटना का बोध नहीं कराते हैं है ना, बोध के बाद लिख देंगे नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको फिर से लिखना है ना मैम के जैसे नहीं करना है। जो सर्वनाम शब्द किसी दूर और पास के निश्चित वस्तु या घटना का बोध नहीं कराए उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है आप लोगों ने, अब मैं आगे के दो प्रश्न और उत्तर जो बचे हैं, प्रश्नों के उत्तर वो अगली कक्षा में करवाऊंगी ठीक है, और इसी पाठ की हम पाठ्योत्तर गतिविधि करेंगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में है ना, तब तक के लिए बाय बाय।